हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ICICI बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को हम कैंसिल करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पर जाना है और आपको टाइप करना है ICICI बैंक नेट बैंकिंग। यहाँ से आपको फर्स्ट लिंक को आपको सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, कार्ड्स पर जाना है आपको। कार्ड्स पर दो ऑप्शन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और मैं डेबिट कार्ड के अंदर जाता हूँ। और डेबिट कार्ड के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है और क्लिक टू प्रोसीड। और यहाँ पर आपको आपका डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ पर मेरा डेबिट कार्ड का नंबर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक आई एम नॉट अ रोबोट, देन लॉग इन। यहाँ पर आपको OTP पूछ रहा है और इसको आपको 2 रुपये का चार्जेस लगेंगे। ओके, मैं यहाँ पर मेरा OTP को एंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको सारा पेमेंट किया हुआ रिकरिंग पेमेंट की बैलेंस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, मैं यहाँ से मैं कोई भी मेरे पेमेंट को मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर गूगल क्लाउड का मैं कैंसिल करके आपको दिखा दूँगा। मैं यहाँ पर गूगल क्लाउड में कैंसिल करके दिखा देता हूँ। इसको आपको क्या करना है, आर यू वॉन्ट श्योर? मैं यहाँ पर ना लिख देता हूँ और यस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको OTP पूछेगा। मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। ओके, जो कुछ भी मैंने गूगल क्लाउड से इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी, मेरे कार्ड की डिटेल्स, यहाँ पर वो कैंसिल हो चुके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और इसी तरह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।